अगर आप पेनियर बाय के माध्यम से या फिर स्पाइस मनी के माध्यम से किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग करते हैं एक्सिस बैंक का, तो बहुत समय में बहुत सारे कस्टमर आता है और बोलता है कि अकाउंट ओपनिंग तो हो चुका है तो हमें एक रिसिप्ट का ज़रूरत है, हमें रिसिप्ट दो। तो आप उस समय में किस प्रकार का रिसिप्ट देंगे कस्टमर को? वो स्क्रीनशॉट नहीं मानेगा या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लेगा तो आपको क्या करना होगा? जैसे कि एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग करने पर 500 रुपया इंस्टेंट डिपॉजिट होता है कस्टमर के न्यू अकाउंट में, तो कस्टमर के पास से आपको 500 रुपया लेना होता है। ऐसे में कस्टमर आपको पैसे नहीं देगा जब तक आप रिसिप्ट नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, आप अपना पेन से एक ब्लैंक पेपर में, एक वाइट पेपर में सब कुछ डिटेल्स में लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख के रखा है एक्सिस बैंक नेम होल्डर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट टाइप लिखा हुआ है 0 बैलेंस एंड यहाँ पे लिखा हुआ है IFSC कोड। अगर आपको IFSC कोड नहीं मालूम है, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग करने के बाद जो आपको रिसिप्ट मिलता है वहाँ पे IFSC कोड लिखा हुआ नहीं रहता है, तो IFSC कोड आपको वही डालना है जो आपने अकाउंट ओपनिंग करने समय पे ब्रांच सिलेक्ट किए थे। आपका नज़दीकी ब्रांच जो भी है वहीं का आपको IFSC कोड इस्तेमाल करना है। IFSC कोड लिखने के बाद अगर आप चाहे तो ट्रांजेक्शन ID जो आपका 500 रुपया डिपॉजिट हुआ था, अकाउंट ओपनिंग डेट एंड टाइम वहाँ पे लिखा हुआ रहता है रिसिप्ट में, तो आप वो भी चाहे तो लिख सकते हैं और आप इस रिसिप्ट को कस्टमर को दे सकते हैं। रिसिप्ट नहीं मानता है या फिर नहीं लेना चाहते हैं तो आपको अपना कंप्यूटर के माध्यम से बहुत ही आसानी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है और वहाँ पे आपको अपना इसी प्रकार से एक्सिस बैंक नेम डिटेल्स और सब कुछ जो भी आपको फिल करना होता है जो भी चाहे वहाँ पे फिल करके अपना कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं अपना प्रिंटर के माध्यम से। दोस्तों बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि अकाउंट ओपनिंग करने के बाद किसी भी बंदे को आप पासबुक या फिर किसी भी प्रकार का पासबुक जैसा रिसिप्ट ना दे, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा बाद में, क्योंकि बैंक के गाइडलाइन के खिलाफ होता है और आप किसी को भी पासबुक नहीं दे सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर बहुत ही जल्दी फास्टली कस्टमर के एड्रेस पे ATM कार्ड और पासबुक आ जाता है। ATM कार्ड देखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ATM कार्ड में अकाउंट धारक का नाम भी आ जाता है और अकाउंट और ATM का पूरा डिटेल्स मिल जाता है। उसके बाद वहाँ पे अकाउंट जो पासबुक रहता है, एक पासबुक जैसा पासबुक नहीं रहता है, एक A4 साइज में पूरा डिटेल्स में अकाउंट नंबर, IFSC कोड और जो भी लिखना होता है सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों यही एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, बस आप अपना पेन के माध्यम से एक पेपर में अकाउंट डिटेल्स फिल करने के बाद कस्टमर को दे सकते हैं, अदरवाइज अपने कंप्यूटर से प्रिंट करके प्रिंट रिसिप्ट दे सकते हैं शॉर्टकट में। अदरवाइज कोई भी पासबुक या फिर कोई भी डिटेल्स कस्टमर को ना दे, वो आपको बैंक प्रोवाइड नहीं करता है और बैंक अलाउ नहीं देता है। हालांकि बैंक की तरफ से सारे डिटेल्स मिल जाता है, अकाउंट, पासबुक एंड ATM कार्ड। अगर कस्टमर को चेकबुक का ज़रूरत पड़ता है तो नज़दीकी ब्रांच जाएगा और वहां से एक पासबुक ऑर्डर करेगा, बहुत ही जल्दी उसे पासबुक और चेकबुक मिल जाएगा।